बाद उसका खून, जानवर का खून और उसका गोश्त बहुत सारा ला करके काबतुल्लाह की दीवारों को गोश्त भर देते थे, गोश्त लीपते थे हमारी जुबान में, खून ला करके दीवारों को लगाते थे और बुतों के सामने गोश्त रखते थे, उनको चढ़ावा पेश करते थे। तो आका ने फरमाया कि क्या है, क्या ये गोश्त तुम्हारा दीवारों को मलने से तुम्हारी कुर्बानी हो जाएगी? ये तुम्हारा गोश्त ला करके इनके सामने रखने से ये कुर्बानी का गोश्त खा लेंगे? नहीं नहीं, क्या होना चाहिए, अल्लाह के नाम पर तुमने अपनी कुर्बानी को पेश किया है। जमाने कदीम में सबसे बड़ी दौलत क्या होती थी? जिसके पास ऊंट ज्यादा होते उसके पास दौलत होती, जिसके पास जानवर ज्यादा होते उसके पास दौलत होती, गाय बैल भैंस जितने ज्यादा होते उतने ज्यादा दौलत होती, जिसके पास जो है बकरे ज्यादा होते उसके पास दौलत होती। क्योंकि जमाने कदीम में सोर्स ऑफ इनकम का एक मजबूत जरिया इन जानवरों को पालना होता, लोग जानवरों को पाल करके बेचते अपना कारोबार करते, तो जानवरों से ज्यादा मोहब्बत होती। मगर आज उनको पालने का सिस्टम नहीं है, पालने वाले खासतौर से पालते हैं, बाकी लोग कमाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपनी जो है नौकरियां करते हैं। तो जानवरों के पालने वाले के लिए अपने जानवर से मोहब्बत होती है, नौकरी करने वाले के लिए, बिजनेस करने वाले के लिए, पैसा जमाने वाले के लिए, पैसा कमाने वाले के लिए पैसे से मोहब्बत होती है। तो हजरत इब्राहिम के जमाने में पैसा नहीं था, ये जानवर थे, सैकड़ों के जानवर हुआ करते थे, और सैकड़ों के जानवर होने के बावजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने से पहले भी अल्लाह से मोहब्बत करते थे, और अपने बेटे को कुर्बान करने का वक्त आया तो तब भी अल्लाह से मोहब्बत रही और कुर्बानी हो गई। हजरत इस्माइल के जगह दुब्बा आ गया तो तब भी आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह की याद में। तो उस दौर में उसको इंपॉर्टेंस दी जाती थी, तो उसके कुर्बानी का हुक्म आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने में भी लोगों को अपने जानवरों से बड़ी मोहब्बत होती थी, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि ये खुदा नहीं है, ये जो जानवर है छोटा हो या बड़ा हो या उससे बड़ा हो, क्यों? इसलिए कि सारी कायनात में जो कुछ भी है, शम्स है, कमर है, सितारे हैं, ये सब किसके लिए है? चांद सूरज, चांद की चांदनी, सूरज की रोशनी किसके लिए है? हजरत इंसान के लिए। क्यों? क्योंकि हजरत इंसान सारी कायनात में सबसे आला है, सबसे अफजल है, सर्वश्रेष्ठ है। मानव इंसान सबसे ऊंचा, सबसे आला। किसी भी इंसान को मैं कम नहीं कह रहा हूं, सारे जातों में इंसान की जो जात है, मानव जाति है, प्राणी जातियों से मानव जाति श्रेष्ठ है, आला है, अफजल है। इसलिए अफजल है कि अल्लाह तबारक व ताला ने सारी कायनात में जो अपने तरफ से कुदरत के निजाम को चलाना है, चला करके दिखाना है कि मैं हूं, कोई है जो चला रहा है, वो चलाने वाली जात का नाम खुदा है, गॉड है, ब्रह्मा है, जो कुछ आप नाम से पुकारे वो अल्लाह है। हम कहते हैं कि अल्लाह, अल्लाह हुस्समत, इसी का नाम तो खुदा है, सबका एक ही खुदा है। मगर अनजान लोग, नादान लोग, ना समझ लोग न जाने किस किस को खुदा बना लेते हैं। तो मतलब इस्लाम का खुला कॉन्सेप्ट है कि ये जो कुछ है, हवा का पैदा करने वाला खुदा हवा को मुसखर कर दिया इंसान के, सूरज को पैदा करने वाला खुदा वो सूरज जो दिन रात आकर के सलामी पेश करता है आपकी बारगाह में, दिन को उजाला देता है, शाम को गुरूब हो जाता है, फिर दिन को उजाला देता है, किसके लिए? तुम्हारे लिए।
ये रात के चांद की चांदनी किसके लिए? तुम्हारे लिए। ये बारिश का बरसना, मुर्दा जमीन को जिंदा करना, फसल का अच्छा हो जाना किसके लिए? तुम्हारे लिए। जमीन की चादर बची हुई है किसके लिए? तुम्हारे लिए। ये पानी के बूंदे, ये पानी की नदियां, ये किसके लिए? ये तुम्हारे लिए। ये सब कुछ इंसान के लिए है, और उसके साथ में जितने जानवरों को पैदा किया है वो सब के सब जानवरों को तुम्हारे अंडर कर दिया। घोड़े को पालो, घोड़ा तुम्हारी बात सुनता। कुत्ते को पालो, कुत्ता तुम्हारे पीछे चलता। गधे को पालो, गधा तुम्हारी खिदमत करता। ये गाय, बैल, भैंस जिनको तुम पालते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, और जब ये दूध देने पर आ जाए तो जो है बेहतरीन दूध तुम्हें इनायत करते हैं। ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारी खिदमत कर रहे हैं। सारी कायनात तुम्हारी खिदमत के लिए है। सारी कायनात का हर जर्रा इंसान अगर चाहे तो शेर को अपने कब्जे में करता है, मगरमच्छ को अपने कब्जे में करता है, दरिंदों को अपने कब्जे में करके दिखाता है कि देखो मैं मासूम जानवरों पर को जानवरों को भी अपने कंट्रोल में कर सकता हूं, और वैसी दरिंदों को भी अपने कंट्रोल में कर सकता हूं। तो तू नहीं कर रहा है, बल्कि जिसने तुझे, मुझे, सबको पैदा किया है, ये टैलेंट, ये सलाहियत हर इंसान के अंदर अल्लाह ने बदियत कर रखी है कि तेरे अंदर यह सलाहियत है। सु तू सब पर भारी है, सब तेरे लिए है, सब मेरे लिए है, सब हमारे लिए है, तो हम किसके लिए? हम किसके लिए? यहां पर उल्टा पुल्टा हो जाता। अक्सर होता यह है कि जो पानी से हमने भैंस पाया, पानी को खुदा बना लिया। अकल है तो समझे। किसी जानवर से हमने फैज पा लिया, जानवर को हमने खुदा बना लिया। तदब्बुर करें, फिक्र करें कि हकीकत क्या है। जो मेरे अंदर में है मैं उसके अंदर कैसे हो जाता हूं? मुझे तो उसके अंदर होना चाहिए जो सबको अपने अंदर में लेकर के रखा। वल्लाहु अला कुल्ली शयइन मुहीत, जिसके अहाते से कोई जर्रा बाहर नहीं हो सकता। हमें तो उसके अंदर होना चाहिए, हमें तो उसकी इबादत करना चाहिए। तो हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वही किया। आपने फरमाया कि नहीं, ये तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त ये कोई खाते नहीं है, इनको खराब क्यों करते हो? ये जो खून जो रगड़ दिया गया है दीवारों पर, ये चढ़ता नहीं है। इसीलिए अल्लाह के रसूल पर अल्लाह तबारक व तआला ने वही उतारी, नहीं यरा अल्लाह लहूहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक्वा मिनकुम। ऐ महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि जो लोग कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी करने वाले कहीं ये ना समझे, कहीं ये ना सोचे कि जिस जानवर को भी कुर्बान कर रहे हैं, कुर्बान करने के बाद उसका गोश्त अल्लाह को पहुंचता, उसका खून अल्लाह को पहुंचता। अल्लाह फरमाता है कि नहीं, मुझे ये खून की, ये गोश्त की मुझे जरूरत नहीं है, वो मेरे तक नहीं पहुंचता है। अल्लाह फरमाता है कि क्या पहुंचता है? कि लोगों सुनो, अल्लाह तक ना तो खून पहुंचता है, ना तो गोश्त पहुंचता है, ना तो चमड़ा पहुंचता है। क्या पहुंचता है? अल्लाह फरमाता है कि मेरे नजदीक कुर्बानी करने वाले का तख्वा पहुंचता है। बोला कि तख्वा मिनकु, कि तुम मेरे कैसे चाहने वाले हो, तुम मुझसे कैसा डरने वाले हो, तुम कैसे परहेजगार बनते हो, तुम मुझे कितना मोहब्बत करते हो, तुम्हारी मोहब्बत मुझ तक पहुंचती है। खून कहां पहुंचता है? जमीन में पहुंच जाता है। चमड़ा कहां पहुंचता है? चमड़े वाले के पास पहुंच जाता है। वैसे आजकल चमड़ा चमड़ा लेने वालों की भी हालत खराब है। कल तक बड़े शौक से लेते थे, आज लेना महाल हो गया है। इसलिए महाल हो गया है कि जो है सबके अच्छे दिन आ गए, अब किसी को कमाने खाने की जरूरत नहीं है, बैठ करके खा सकते हैं। ना अल्लाह की बारगाह में खून पहुंचता, ना गोश्त पहुंचता। गोश्त कहां पहुंचता है? कुर्बानी देने वाला बंदा अकेला ही पूरा बकरा हजम कर जाता, अकेला ही जो है पूरा
जिस जानवर को कुर्बानी किया है वो पूरा जानवर खा जाता। अजीब दौर में जी रहे हैं हम कि वो जानवर जो सिर्फ चारा खाते हैं, कुदरत ने उन्हें उनके हाजमे में ऐसी ताकत नहीं रखी है कि वो गोश्त को हजम कर सके। जो दरिंदे गोश्त खाते हैं, कुदरत ने उनके अंदर ऐसी हाजमे की ताकत नहीं दी है कि वो घास खाकर के हजम कर सके। मैंने बताया ना कि भाई दरिंदों से, जानवरों से, चरिंदों से, परिंदों से, जमीन से, आसमान से, चांद से, सूरज से, सबसे आला अगर कोई है तो वो इंसान है। वो मानो हम है, तुम है, सारे इंसान इसलिए है कि इसके अंदर हर तरह की कैफियत है, हर तरह की हाजमे की कुव्वत और ताकत है। ये गोश्त खाए तो भी हजम करता है, घास खाए तो भी हजम करता है। दोनों तरह की कुव्वतें इंसान में है, इसलिए आला है, इसलिए आला है। तो अब जो खाने वाला है वो अकेला नहीं खाता ना बाबा। हमारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत, आपका एक लकब मोहसिन इंसानियत, इंसानियत दोस्त, इंसानों से मोहब्बत करने वाले, इंसानों को दोस्त रखने वाले, मानव जाति से प्यार करने वाले, मानवता से प्यार करने वाले। आज जमाना आखा दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत को अलग तरीके से पेश कर रहा है। जमाना क्या चाहता है, जमाने वाले क्या चाहते हैं पता नहीं, बल्कि हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को उठा करके देखिए कि एक यहूदी जो मुसलमान तो नहीं है, इंसान जरूर है, मुसलमान तो नहीं है, मानव जरूर है, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह मदीने मुनव्वरा में हाजिर होता है। मदीने में आकर के आका अलैहिस्सलातु तस्लीम से अर्ज करता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं मुसाफिर हूँ, मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। आका फरमाते हैं कि अच्छा, तुम मुसाफिर हो तो आओ हमारे मेहमान बन जाओ, आओ हमारे मेहमान बन जाओ, हम आपकी मेहमानी करेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। उसको रुकाया कहां पर? उस मेहमान को रुकाया मस्जिद नबवी ने, उस मेहमान को रुकाया मस्जिद नबवी ने, रुकाया, रुका करके अपने घर का बिस्तर दिया, खाना भिजवाया, मेहमान को रुकाया अपने मस्जिद में, घर से बिस्तर भेजा, घर से खाना भेजा, जल्दी जल्दी बिचारे बैठो, रात का खाना खाया, आगे की सब पूरी करना, और सुबह सुबह होने से पहले वो मेहमान क्या करता है, निकल करके चला जाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह फजर से पहले मस्जिद में दाखिल होते हैं, दाखिल होकर के देखते हैं कि नमाज फजर का वक्त करीब है, अगर इस बंदे की जो बंदा जो मेहमान था वो गायब है, अगर होता क्या है कि जाते जाते उसने सारी मस्जिद में गंदगी फैला कर गया, मजा करो तो बाद में कर लो, बाद में कर लो, उठ, सारी मस्जिद में गंदगी फैला करके पेशाब पैखाना कर करके चला गया है, सारी जगह को गंदा कर दिया है। यहाँ विचार रहे हैं साहबा, आए हैं आकर के देख रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ कर रहे हैं, गंदगी साफ कर रहे हैं। सहाबा अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप हट जाइए कि हम साफ करेंगे, आप हट जाइए हम पाक करेंगे, ये गंदगी मस्जिद में किसने की है, कौन शैतान था, कौन बेवकूफ था जो इस तरह की हरकत किया है। तो आका फरमाते हैं कि नहीं नहीं, कल मेरे पास एक मेहमान आया था, उसको मालूम नहीं है मस्जिद का एहतराम, मालूम नहीं है मस्जिद का अदब, मालूम नहीं है, वो मुसलमान भी नहीं था, मगर आया था मेरे पास तो मैंने उसको रुकाया था, अपना मेहमान बनाया था, घर का खाना दिया था, घर का बिस्तर दिया था, मस्जिद में रुकाया था, मगर वो बंदा रात में रुक गया, न जाने क्या तकलीफ हुई होगी, जाने से पहले इस तरह से उससे हरकत सरजद हो गई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी साहब को हाथ लगाने नहीं दे रहे,
शाबाश करते हैं कि या रसूलल्लाह हम साफ करेंगे। आका फरमाते हैं कि नहीं, जो कुछ भी करके गया है जाने वाला तो चला गया, मेहमान मेरा था, मेरा मेहमान, मेरी वजह से गंदगी किया है तो वो गंदगी मैं ही साफ करूंगा। अल्लाह अकबर, इससे भी बड़े अखलाक वाला कहीं मिलेगा आपको दुनिया की तारीख में? कहीं मिलेगा, कहीं दिखेगा आपको? सहाबा दंग है, हैरतज़दा है, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। उसी असना में वो यहूदी दौड़ते दौड़ते हुए वापस मस्जिद की तरफ आ रहा है, मस्जिद में दाखिल होता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम साफ करते करते उसके तरफ देखते हैं कि बाबा खैरियत? गंदा जो करके गया है वो आया है मस्जिद में, गंदगी साफ करते करते पूछते हैं कि खैरियत क्या हो गया? शर्मिंदा होता है कि जो है नहीं, मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई, दरअसल जो है ना मैं मेरी तलवार भूल गया था इसलिए आया हूं। तो आका फरमाते हैं कि जो है जाओ तलवार ले लो। तो साहबा कहते हैं कि यही था रात में रुका हुआ। तो कहते हैं कि हाँ यही था। तो साहबा चाहते हैं कि जो है उसकी गर्दन मरोड़ दे, साहबा चाहते हैं कि उसको पकड़ करके झिझोड़े, उसको सजा दे। आका फरमाते हैं कि नहीं, ये हमारा मेहमान है, हम इसके साथ किसी भी तरह की बदसलूकी नहीं करेंगे। इसने जो किया है वो अल्लाह जानता है, मगर हमारा जो तरीका है वो तरीका क्या है कि हम किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं आए हैं, सारी दुनिया के सामने इंसानियत का, मोहब्बत का पैगाम आम करने के लिए आए। ऐसी मिसाल तारीख में कहीं मिलेगी? कहीं मिलेगी? बादशाहों को पूजने वालों, बादशाहों को खुदा का दर्जा देने वालों, अच्छे बिच्छे इंसानों को खुदा का दर्जा दिलाकर मगरूर बना करके नमरूद की मौत मरने पर मजबूर करने वालों, जरा देखो मेरे आका की सीरत क्या है। तो वही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कुर्बानी के दिन जब तुम नमाज पढ़ोगे अल्लाह की बारगाह में शुक्राना अदा करने के लिए, तो तुम्हें क्या करना होगा? नमाज तो रब की अदा करोगे, नमाज अदा करने के बाद तुम्हें रब की बारगाह में कुर्बानियां पेश करना होगा। कुर्बानियां पेश करने के बाद कुर्बानी तो आपकी हो जाएगी, कुर्बानी होने के बाद भी तुम्हें क्या करना है? सारे का सारा गोश्त तुम्हें अकेले ही हजम नहीं करना है, सारे का सारा गोश्त तुम्हें अकेले ही हजम नहीं करना है, बल्कि तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उस गोश्त के तीन हिस्से करना है, उस कुर्बानी के तीन हिस्से करना है। और उसके तीन हिस्से करने के बाद एक हिस्सा गरीबों में, मजबूरों में तकसीम करना है, भूखों को देना है, भूखों को खिलाना है। ईद के दिन तुम्हारे घर में बिरयानी पकेगी, तुम्हारे पड़ोस के घर में बिरयानी नहीं पकेगी, तो तुमसे ज्यादा बदनसीब और कौन होगा कि तुम्हारा पड़ोसी रूखी सूखी खाए, भूखा रहे और तुम मजेदार खाने खाते रहो। यही तो है इस्लाम की तालीम कि तुम्हारी कुर्बानी का हिस्सा गरीबों को भी पहुंचना चाहिए, तुम्हारी कुर्बानी का एक हिस्सा रिश्तेदारों को भी पहुंचना चाहिए, तुम्हारी कुर्बानी का एक हिस्सा तुम्हारे पास में रहना चाहिए। तुम्हारे घर में भी खाना हो तो आला खाना बने, पड़ोस में भी खाना बने तो अच्छा खाना बने, रिश्तेदार भी जब खाए तो अच्छे से अच्छा खाना खाए। ईद का दिन कमाना क्या है? खुशी का दिन, खुशी हो तो ऐसी हो कि हर घर में अच्छे से अच्छा पके, अच्छे से अच्छा खाए। है कोई मजहब ऐसी तालीम देने वाला? है कोई आज जो इल्जाम लगा रहे हैं कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है आपके पास? अरे तुम्हारे पास तो क्या है? तुम्हारे पास तो अच्छे बिच्छे खाते पीते घरानों का रिस्क छीनना है, खाने वालों का खाना छीनना है, जीने वालों का जीना छीनना है, काम करने वालों का काम करना छीनना है। याद रखो, आज के दिन ईदगाह में ईद के मुसल्ले पर खड़े होकर के कह रहा हूं, ये मुस्तफा कमाल गुलाम मुस्तफा कह रहा है कि जब जब इंसानियत का रिस्क छीना गया है हुकूमतों ने, हुकूमतों को अपना हथियार बना करके लोग इंसानों का रोटी छीने हैं, इंसानों का रिज़्क छीने हैं, इंसानों को परेशान किए हैं, इंसानों में एक तबके को परेशान करके खुद को खुश रखना ही मजहब की आला तालीम समझे हैं, तो वो मुल्क बर्बाद हुए हैं
बर्बादी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। न लंका बचा है न तुम बचोगे। अरे लंका तो सोने की थी, तुम क्या हो? सोने की चिड़िया। तो सोने की लंका तारीफ पढ़ोगे तो मालूम होगा। सोने की लंका नहीं बची है तो तुम कहां बचोगे? बचना चाहते हो, बचना चाहते हो, कुछ मत करो। मोहब्बत को आम करो, नफरत का खात्मा करो। बचना चाहते हो, इंसानों को जीने का मौका फराहम करो। जिए और जीने दो, इंसान को दरिंदा बनने का मौका मत दो। इंसान को इंसान रहने दो। इस मुल्क की तरक्की चाहते हो तो हर एक मुसलमान से मैं ये कहूंगा, इसी धरती पर कहने वाले कहा है एक दरिंदे। ये जरूरी नहीं है कि दरिंदा सुगर, गधा, कुत्ता उसकी ही शक्ल में हो। इंसानों की शक्ल में भी ऐसे लोग होते जिनका काम बस झूठी मोहब्बत का दिलासा देकर के इंसानों को दरिंदा बनाना होता है। मगर हम इंसान हैं, फिर मुसलमान हैं। मुसलमान का माना इस्लाम सलामती से है, जो अमन का, शांति का पैगाम देता है। तो आज के ईद के दिन इसी ईदगाह में खड़े होकर के हम कोशिश करेंगे कि हमारा मुल्क आबाद रहे। हम कोशिश करेंगे कि भाई हमारा मुल्क तरक्की के राह पर ऊंचे से ऊंचा जाए। हम ये चाहेंगे कि हमारे मुल्क में हमारे साथ रहने वाला हर तबके का, हर जात का, हर जमात का, हर एक मुसलमान, हर एक इंसान, हर एक इस मुल्क का शहरी नागरिक बाशिंदा तरक्की करे, आला से आला मकाम पाए। इसीलिए हम ये आपको तलखीन करते हैं, ये मैसेज देते हैं, ज्यादा कुछ मत करिए। बयान खत्म है, 10 बजे नमाज पढ़ना है, 10 बजे नमाज पढ़ना है। वो पैगाम यह है कि जिस बस्ती में आप रहे, जिस महल्ले में आप रहे, जिस गली में आप रहे, उस गली के 40 घर की तालीम आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाई है, ये सुन्नत है। उसी का आगाज करें कि कम से कम मेरे घर का सामने, मेरे घर के पीछे, मेरे घर के लेफ्ट, मेरे घर के राइट, चारों तरफ पड़ोसी अगर है, पड़ोसी अगर है, मेरे पड़ोसी जो भी है मैं उनका ख्याल रखूंगा, मेरे पड़ोसी जो भी है मैं उनका ख्याल रखूंगा। अगर वो नॉनवेज के खाने वाले हैं, मेरे घर में नॉनवेज बनेगा तो मैं उन्हें अपना एक निवाला कम करके एक निवाला उनको खिलाऊंगा। अगर वो वेजिटेरियन खाने वाले हैं तो जब भी मेरे घर में वेजिटेरियन बनेगा तो एक निवाला कम करके मैं अपने पड़ोस वालों को खिलाऊंगा। इसलिए खिलाऊंगा कि आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि मुसलमानों, दो काम तुम आम करो, एक है काम भूखों को खाना खिलाओ और दूसरा है काम सलाम को आम करो। सलाम करते जाओ, इंसानियत को खिलाते जाओ। जो घर में बने आपके, जो तुम खाते हो, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं कि घर में सालन बनाने वाली औरत से आप कहो कि गाढ़ा सालन बनेगा तो हम 4 आदमी खाएंगे, थोड़ा 1-2 चमचे पानी मिला दो, फिर उसमें नमक घोल दो, मजा वही रहेगा, खूब औटा दो, जब सालन बन जाएगा तो बच भी जाएगा, ना बचा करके उसको 4 पड़ोस के घरों को पहुंचा दो, ताकि पड़ोस के घर वाले भी जब खाए तो खाने में सालन मिला करके खाए, पेट भर करके खाए, वो सालन उनके पेट में जाए तो तुम्हारे लिए दुआ का जरिया बन जाए, तुम्हारे लिए मोहब्बत का जरिया बन जाए। ये तालीमात हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की है। मैं हर मुसलमान से कहूंगा कि वो अपने चारों तरफ के पड़ोसियों का ख्याल रखे, उनके साथ दें, उनके साथ नफरतों का नहीं, वो चाहे अपने दिल में जो चाहे रखे, मगर हम अपने दिल में मोहब्बत रखेंगे। इसलिए मोहब्बत रखेंगे कि इस धरती के राजा, ख्वाजा, महाराजा, बंदा नवाज, गैस दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीरो मुर्शिद के पीरो मुर्शिद के पीरो मुर्शिद ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि ऐ लोगो, जहां तुम रहते हो वहां पर मोहब्बत की जमीन बन जाओ, जमीन बन जाओ मोहब्बत, चाहे दुनिया तुमसे कुछ भी कहे।
नफरतों से कोई घर आबाद नहीं होता, नफरतों से किसी का उद्धार नहीं होता, नफरतों से कोई कामयाब नहीं होता। अगर कामयाब होना है नफरतों को मिटाओ, मोहब्बत को आप करो। यही मोहब्बत का पैगाम, यही इंसानियत का पैगाम, यही उखूवत का पैगाम, यही इंसानी खिदमत का पैगाम ईद कुर्बान हम तमाम को देता है। हम अपनी कुर्बानियां पेश करते हैं। अब जब कुर्बानी की बात आ गई है तो एक दो मसले आपके सामने मैं रख दूं हालात हाजरा के तहत, कि अगर किसी की कुर्बानी कि जो जानवर है वो जानवरों के बच्चे आकर के इंसानों को पैदा होने वाले बच्चे इंसानों की हिफाजत करते, तो वो उनके बच्चे आकर के अगर किसी का जानवर गसब कर ले या गजब कर ले या कब्जा कर ले तो आपकी नियत के एतबार से आपकी कुर्बानी का पैसा आपने दिया है, आपकी कुर्बानी होगी। कोई ये ना कहे कि जो है कुर्बानी के लिए हमने जानवर लाया था, कुर्बान हो गया है, हम तक गोश्त नहीं पहुंचा है। मैंने बयान में कहा है, अल्लाह पाक फरमाता है मेरे पास ना गोश्त आता, ना तुम्हारा खून आता, कुछ भी नहीं आता, तुम्हारा तखवा आता बोला। तो तुम्हारी कुर्बानी खालिस अल्लाह की रजा के लिए हो, मगर ऐसे टाइम पर कुछ लोग होते हैं जो तमाशे करते हैं, जहां साहब साल में कुर्बानी दो तो दो वो क्या खाने का वो नहीं मिले कैसा बूटे के वास्ते कुर्बानी दिया गया। इस्लाह करो, हालात को खुली आंखों से देखो, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। आपको कुर्बानी देना है, जिनकी हो गई हो गई, जिनकी होने के बावजूद भी अगर उन्हें उसका हिस्सा नसीब नहीं हुआ है तो इंशाल्लाह अगले साल नसीब हो। अल्लाह ताला आजमा रहा है, बाहर बंदों के जरिए से आजमा रहा है कि तुम मुसलमान हो क्या नहीं, और फिर ऊपर से रिमझिम बारिश बरसा करके आजमा रहा है कि तूफानों से टकराने वाली खौफ छोटे छोटे बारीक बारीक खतरों को देख करके मैदान ईदगाह में आएंगे कि नहीं। अब जिनके अंदर उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी, कहा कि नहीं मस्जिदों में ऐलान कर लो भाई, हमारी मस्जिदों में नमाज पढ़ लेंगे, तूफानों से टकराने वाले चार बूंद बारिश को घबरा गए, क्या टकराते थे लोग। आंधियों का सामना करेंगे, तूफानों से टकरा जाएंगे, हम फला है। मेरे 50 साल की उम्र में 32 साल से बयान कर रहा हूं, यह पहला बयान है जिसमें मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रहमत बारा में उसकी रहमत का बयान करने का मौका इनायत फरमाया, वरना हम पसीने में ही बयान करते, पहले अंदर से भीग करके करते थे, अब बाहर से भीग करके कर रहे हैं, फर्क इतना ही है ना। अंदर से भीगने में पसीना निकलता था, बाहर से भीगने में रहमत बरसती है। समझ में आ रही बात। तो ये इम्तिहानों की घड़ी है और मुसलमान की सारी जिंदगी इम्तिहान है। वो इम्तिहान को कामयाब होना, उस इम्तिहान में कामयाब होना है तो जो लोग भी कुर्बानियां दे रहे हैं वो जहां जहां पर भी कुर्बानियां दे रहे हैं वो जान जाए समझ लें कि उनकी कुर्बानियां हो गई, और जिन लोगों को वो हिस्सा की कुर्बानी कर्नाटक गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से नहीं करना चाहिए था, आइंदा वो एहतियात कर ले। क्योंकि वो जानवर के अंदर इस तुम्हारी क्या जान पड़ी, जीने के वास्ते बहुत है खाने के लिए है। अभी तो बचाए तो एक प्रैक्टिकल है इनके सामने, उत्तर प्रदेश में यही आवारा जानवरों को, आवारा पशुओं को कंट्रोल करने के लिए अलग बजट बनाना पड़ रहा, खेत के खेत खा जा रहे। जो सिस्टम है ना, कुदरत का सिस्टम है, इन्हें इसे खाता। अब तुम्हारी असल नहीं, इसे नहीं खाना, इसे कौन खाना, कौन भी नहीं खाना, चोर बने बैठे, चोर दरवाजे से भेज के, मतलब सामने भूल कर नहीं खाना, अच्छी बातों में नहीं खाते, दिखाने को हस्ते छोड़े तो तुम्हारा खाना और खा ले, ऐसी छोड़ता है। इसके लिए निजाम कुदरत की खिलाफ वर्जी मत करो, नेचर
सृष्टिकर्ता का जो सिस्टम है उसके मुखालिफत में मत जाओ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस्लाम कहता है, हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम क्या कहता है। जो सिस्टम कहता है वही कुरान कहता है, वही हदीस कहती है। तो अजीजा ने मुहतरम वक्त करीब आ रहा है, इसी एतबार से मैं अपने कलीमात को समेट रहा हूँ, इसलिए कि 10 बजे जमात को खड़ा करना है, यानी कि ईद उज़ुहा की नमाज पढ़ना है। और नमाज का तरीका आपको इंशाअल्लाह बाद में बताया जाएगा। जमात के खड़े होने से पहले कुर्बानी के मुतालिक जो कुछ भी खास बातें थी मैंने आपके सामने रख दी हैं। और फिर अच्छा, और एक बात भी याद रखिए कि जब आपके जानवर की कुर्बानी हुई, बकरा काटे, 3 हिस्से करना, जो जो खाने के हैं ना वो पूरे 3-3 हिस्से में आना। इन्हें सिरा पाओ अपने लिए रख ले, को खाली फड़ौता निकालना, भजरा भुटा उसके अंदर डाल रहा, कलीजे भुर्दे अपने हाथ से निकाल ले रहा, नहीं, हिस्सा बराबर से हो। जितना हिस्सा मेरा है उतना हिस्सा मेरे पड़ोसी का है, मेरे रिश्तेदार का है, जितना हिस्सा मेरे रिश्तेदार का है उतना हिस्सा गरीब का है। ये मसावात की तालीम, ये इस्लाम की तालीम। ये अगर समझ में आ गया, खिलाने में मसावात, इबादत में मसावात, खिलाने में जब आए तो बराबर से खिलाए, नमाज की बात आई तो कौन छोटा कौन बड़ा, सब एक ही सब, ये इस्लाम की तालीमात है। तो आपसे मैं कभी उम्मीद करता हूं कि आप तमामी हजरात मेरी बात पर तवज्जो देंगे।